In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Hello, my dear student of Class Matrix, Assalamu Alaikum, and very good morning to all of you. Dear students, in the previous lecture, in the last lecture, we understand the lesson, the African village. Okay? And in today's lecture, we will understand so I think we left the lesson incomplete. So inshallah we will complete it, then after we will go to another. So here the courtyard of the house. कोर्टयार्ड क्या होता है कि माय डियर स्टूडेंट जो घर के सामने जो ग्राउंड होता है वो होता है कोर्टयार्ड होता है. द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस इज सेंटर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज वुमेन फोक वर्क. वुमेन फोक मतलब क्या है? फोक मतलब लोग होते हैं, लोग जो औरतें होती हैं. वर्क एंड कुक फूड जो अपने घर में क्या करती हैं, वो काम करती हैं, कुक फूड करती हैं, मतलब तैयार करती हैं. एंड द चिल्ड्रन प्ले देयर, जो चिल्ड्रन होते हैं वो खेलते हैं वहाँ. देयर इज अ लिटिल फर्नीचर इन द इन दीज होम्स. मतलब जाहिर सी बात है वहाँ फर्नीचर मौजूद होता है इन होम्स में. द पीपल स्लीप ऑन मैट्स स्प्रेड. मैट्स क्या होता है कि मतलब क्या कहेंगे इसको हम, के जो मतलब ज़मीन पे मतलब स्प्रेड करते हैं. स्प्रेड ऑन मड प्लास्टर फ्लोर्स ऑल हाउस होल्ड पॉट्स एंड पैंस और अर्थनवेयर. अर्थनवेयर क्या होता है कि मैंने ज़मीन की बने, मिट्टी की बने हुए होते हैं. ओके ये जो मड प्लास्टर फ्लोर्स मतलब ये जो ज़मीन मिट्टी की मतलब ये फ्लोर्स होते हैं जो जैसे आप मोस्टली विलेजेस में देखते हैं. पॉट्स एंड पैंस अर्थनवेयर ये जो उनके जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं? जो मिट्टी के बने होते हैं. दो इन टिन एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल. यूटेंसिल क्या होते हैं? ये बर्तन होते हैं. माई डियर स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो फाउंड देयर वे इन टू दिस होम्स. आप देखेंगे उधर. सिंस इलेक्ट्रिसिटी हैज नॉट रीच दीज रिमोट विलेजेस. रिमोट क्या ये होता है माई डियर स्टूडेंट? रिमोट होता है कि दूर दराज, फर अवे. क्या हो ये? फर अवे माना दूर दराज. दूर दराज ये जो विलेजेस हैं कि उनमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है. द बुश ड्वेलर्स स्टिल यूज वुड फॉर लाइटिंग. मतलब ये जो लकड़ी यूज़ करते हैं एंड हीटिंग पर्पस, माना जो लकड़ी यूज़ करते हैं कि मतलब रोशनी के लिए और जो हीट करने के लिए, माना खुद को मतलब गर्म रखने के लिए, और इवन जो कुक फूड के लिए भी वो ही मतलब ये वुड्स वुड यूज़ करते हैं, मतलब लकड़ी यूज़ करते हैं. अ लार्ज पाइल ऑफ द वुड इज लाइटेड इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड. आप देखते हैं कि ये जो जिसको हम कहें कि ये मच कचहरी होती है या जो कोर्टयार्ड में मतलब क्या करते हैं कि एक राउंडिंग लगाते हैं, वो मतलब वो आग जलाते हैं वहाँ, और मतलब सीटेड इन अ राउंड मतलब वो चौपाट बैठते हैं और वो अपने खुद को वो गर्म करते हैं, पर्टिकुलर इन विंटर सीजन. अ लार्ज पाइल. पाइल क्या होता है कि ये बंडल होता है कि लकड़ियों का. मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड विच गिव्स देम लाइट एंड प्रोटेक्ट. मतलब उनको क्या कहती है कि लाइट भी देती है और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, मान सर्दी से उनको प्रोटेक्ट करती है. मॉस्किटोज एंड विल्ड बीस्ट, मान ये जानवर होते हैं ना वो. रेन वाटर इज स्टोर इन अ लार्ज पॉन्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके रेन जो बारिश होती है, बारिश का पानी होता है वो मतलब जमा होता है एक पॉन्ड होता है, मतलब वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन. एंड इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर दैट. माय डियर स्टूडेंट देखते हैं कि ये जो रेन की बरसात होती है कि पानी होता है वो जमा होता है पॉन्ड में, वही मतलब ये अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं. बिकॉज दे डोंट टेक क्लीन वाटर, दे डोंट हैव फैसिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. मतलब उनको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती.
सो लेट्स रीड क्लोज टू द फार्मर्स ड्वेलिंग. ड्वेलिंग क्या होता है? लिविंग प्लेस इज अ पेच ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स. मतलब क्या होता है कि मतलब वो फार्मर्स ड्वेलिंग, जब जहाँ वो रहते हैं वहाँ एक पेच क्या होते हैं, एक पीस ऑफ लैंड होता है, वो वहाँ क्या करते हैं कि फूड क्रॉप करते हैं, अपना जो सब्जियाँ वेजिटेबल्स वगैरह मतलब वो कल्टिवेट करते हैं, विच इंक्लूड प्लांटेन्स, पोटैटोस, याम्स, ग्राउंडनट्स एंड पीपल. यूजुअली वुमेन लुक आफ्टर द फूड क्रॉप्स. लुक आफ्टर क्या करते हैं, मतलब देखभाल करती हैं, औरतें जो होती हैं वो देखभाल करती हैं, वाइल मेनटेन द कैश क्रॉप. मकसद क्या है कि टेन का क्या करते हैं कि जो औरतें होती हैं जो फूड क्रॉप्स की मतलब वो देखभाल करती हैं, जो जो मर्द हजरात होते हैं वो टेन क्या मकसद है कि लुक आफ्टर होता है उनको, मतलब ख्याल करते हैं कैश क्रॉप. कैश क्रॉप का मतलब आपको पता है कि वो काटन है, वो शुगर केन है, ये कैश क्रॉप्स हैं. जो कैश क्रॉप वो होते हैं जो हम सेल करके इन्हें रिप्लाई रिटर्न में हम उनसे पैसे हासिल करते हैं, लाइक ऑल पॉम्स एंड कोका ट्रीज. मतलब ये जो अफ्रीकन मतलब कंट्रीज में ये जो कैश क्रॉप्स हैं, ऑयल पॉम्स एंड कोका ट्रीज. द फ्रूट ऑफ ऑयल पॉम इज बॉयल्ड एंड प्रेस्ड, इट गिव्स ऑयल विच इज फिल इन द ड्रम्स एंड इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. ये काम करते हैं. सिमिलरली द फ्रूट ऑफ कोका ट्री यील्ड. ओके, यील्ड मतलब क्या होता है कि माय डियर स्टूडेंट्स, गिव. ये मतलब के बीन्स विच आर ग्राउंड इनटू पाउडर. मतलब जो बीन्स होते हैं ना कि मतलब वो उनसे पाउडर मतलब उनसे लेते हैं, फ्रॉम विच चॉकलेट इज मेड. ये जो हम चॉकलेट वगैरह हम खाते हैं मतलब ये उनका पाउडर होता है, उनमें से मतलब वो सेल करते हैं और वो पैसे कमाते हैं. कोका बीन्स एंड पाउडर आर ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ नाइजीरिया. ये देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछेंगे तो हमको आंसर देने पड़ेंगे. कोका बीन्स एंड पाउडर आर ऑल्सो ए मेजर एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट. हम समझें कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में क्या फ़र्क है माय डियर स्टूडेंट्स. एक्सपोर्ट क्या होता है कि जो आप कोई चीज़ या अपने कंट्री से कोई चीज़ आप बाहर जाए वो एक्सपोर्ट होती है. जब आप कोई चीज़ बाहर से मंगवाएं, बाहर से परचेज करें, जो बाहर से चीज़ खुद आप अपने कंट्रीज में आए तो वो इम्पोर्ट होगी. सपोज करें कि आपने कोई चीज़ बाहर से मंगवाई है, इनका मकसद है कि आपने इम्पोर्ट है, कहते ना कि ये इम्पोर्टेड सेलफोन है, मतलब ये बाहर से आई हुई है. एक्सपोर्टेड क्या है कि ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, मतलब इधर से बाहर जाती हैं, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में ये फ़र्क है. वन थिंग डेट इज़ कॉमन इन अवर विलेज एंड विच वी शेल मिस इन द इन अफ्रीकन विलेज द कैटल. कैटल क्या है कि मतलब ये चौपाया माल होता है, ये जो इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका फार्मर्स कैन नॉट रेयर कैटल. रेयर का क्या मकसद है, वो पालते हैं मतलब पालना करते हैं अपनी जो माल होता है वगैरह. इन अकाउंट ऑफ काइंड ऑफ फ्लाई, क्यों मतलब वो रेयर नहीं करते हैं. फ्लाई मतलब ये जो जीत होते हैं, फ्लाइज होते हैं, हुज स्टिंग किल्स द कैटल, क्योंकि वो इतने पॉइजनस होते हैं जो वो स्पिट करते हैं, जब वो स्टिंग करते हैं वो केटल मतलब मर जाते हैं. काज स्लीपिंग एंड सिकनेस अमंग ह्यूमन बींग्स. इन द एब्सेंस ऑफ केटल द फार्मर हैज़ टू प्लो द फील्ड्स विथ हिज हैंड्स. क्या करते हैं, जाहिर सी बात है बल बल लाख होते तो वो अपने जो ज़मीन में ये जो प्लोइंग का काम करते, वो नहीं है तो वो अपने हाथ से मतलब वो प्लोइंग करते हैं. देखें कि कितनी मतलब वो डिफिकल्ट लाइफ है वहाँ वो गुजारते हैं. हैंड्स ए कैरी लोड टू द मार्केट एंड वॉक लॉन्ग डिस्टेंस ही मे हाउ एवर कीप अ. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मार्केट एंड वॉक लॉन्ग डिस्टेंस एंड मे हाउ एवर कीप अ गोट फॉर मिल्क एंड पोल्ट्री फॉर एग्स. तो माय डियर स्टूडेंट, ये था लेसन के फर्दर जो लास्ट रिमेनिंग पार्ट होगा, तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर एंड सी यू इन द नेक्स्ट.